नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार विधानसभा में इसकी गूंज सुनाई दी है। नीरज बबलू जो कि विधायक हैं और रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के भाई भी लगते हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार और देश की इज्जत का सवाल है और इस मामले में CBI की जाँच होनी चाहिए। आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू। महोदय, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला पूरे देश में थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश से CBI की मांग उठ रही है और पिछले दिनों उनके पिता ने बिहार में FIR दर्ज कराया, जिसको लेकर के बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई और महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किस तरह मिसबिहेव किया। उन्हें धक्का देकर के वैन में बिठाया गया और उतना ही नहीं, जब यहाँ के IPS अधिकारी महाराष्ट्र गए हैं वहां जांच करने के लिए, तो आप देख रहे हैं पूरे चैनल, पूरे देश में खबर चल रही है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। इसमें बड़े बड़े लोग, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र सरकार के बड़े अधिकारी हो या बड़े नेता हो या सरकार से जुड़े लोग, कहीं न कहीं इसमें बुरी तरह इन्वॉल्व है पूरा देश और पूरा परिवार, और हम भी उसी परिवार से हैं, तो सब लोग चाहते हैं, पूरे देश की भावना है, आज के डेट में पूरा देश उसके परिवार के साथ खड़ा है और पूरा पूरा परिवार बना हुआ है पूरा देश। इसलिए हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार इस केस को हर हाल में CBI को सौंपे ताकि इसका निष्पक्ष जांच सामने आ जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। अध्यक्ष महोदय, निश्चित CBI को जाना चाहिए। तो आपने सुन लिया, जैसे ही नीरज बबलू चुप हुए, बीच में बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खड़े होते हैं अपने सीट से और ये बातें कहते हैं कि देश के लिए और बिहार के लिए शांत थे सुशांत सिंह राजपूत और उनके मामले में जांच CBI से करवाई जानी चाहिए। सुनिए तेजस्वी यादव के बोल। अध्यक्ष महोदय, CBI से जांच होना चाहिए। नीरज बबलू जी के बात को लेकर के आगे बात बताना चाहिए। नीरज बबलू जी हम लोगों के कलीग हैं और सुशांत सिंह राजपूत, सही कहा इन्होंने कि उभरते हुए सितारे थे, हालांकि इनके भाई भी हैं और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले, जस्टिस मिले। पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता कि मौत का कारण क्या है। राष्ट्रीय जनता दल जो है पहली पार्टी है जिसने CBI जांच की मांग की थी और हम लोग परिजनों से भी मुलाकात किए थे, उनके पिताजी से, उनकी बहन से, और हम लोगों का साफ था कि हम उनके परिवार के साथ हैं। और नीरज बबलू जी से हम इतना कहना चाहते हैं कि भाई, सुशील मोदी जी डिप्टी CM हैं, मुख्यमंत्री हैं, आप ही की डबल इंजन की सरकार है और पूरा देश जानना चाहता है कि क्या वजह है, निष्पक्ष जांच हो, तो सरकार इनकी है, ये लोग आखिर क्यों इतना विलंब कर रहे हैं, ये तो आप विशेष तौर पर मुख्यमंत्री जी से मिलकर के बात कीजिए। और इसी को महोदय, मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भी लिखा था कि सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर जो राजगीर में फिल्म सिटी बन रहा है उसका नामकरण किया जाए। ठीक, और हम चाहेंगे, चलिए संजय सर, मुख्यमंत्री जी जी हैं, इस पे संज्ञान लेते हुए आज ही घोषणा कर दे कि भाई नामकरण जो है सुशांत सिंह राजपूत जी के नाम पे। तो आपने सुन लिया, लगातार ये मांग उठ रही है, चाहे परिजनों की बात कर ले या फिर बिहार में सियासी दलों की बात कर ले, CBI जांच की मांग उठ रही है और बिहार पुलिस के साथ जो मुंबई में हुआ उसको लेकर के भी कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है। इधर बिहार DGP गुप्तेश्वर पांडे ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम सब कुछ देख रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसे गलत बताया है और कहा है कि इसके बारे में बातचीत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।